पुलिस इंस्पेक्टर को रजत का कॉल आता है कि इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मेरे घर में चोर घुस गया है। इंस्पेक्टर उससे एड्रेस पूछ ही रहा था तो तभी फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इंस्पेक्टर उसके फोन को ट्रैक कर लेता है और उसे एड्रेस मिल जाता है। तो वो तुरंत अपनी कार लेकर उसके घर पर पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर जैसे ही घर के अंदर जाता है तो देखता है कि दो लोग एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े हैं और कहते हैं कि ये चोर है, मैं रजत हूँ। नहीं नहीं, ये चोर है, मैं रजत हूँ। इंस्पेक्टर तुरंत समझ जाता है कि चोर कौन है, लेकिन कैसे? दोस्तों, क्या आप इस रूम को और इन दोनों को अच्छे से देखकर बता सकते हो क्या कि इंस्पेक्टर को कैसे पता चला कि चोर कौन है? तो ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। आप इस रूम को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर दो क्लूज मिलेंगे। पहला, टेबल पर घड़ी रखी हुई है और दूसरा, बुक राइट में है और पेन लेफ्ट में रखा है। मतलब रजत वो है जिसने घड़ी नहीं पहनी है और वो लेफ्टी है। तो ये दो क्लूज के हिसाब से ये पहले वाला रजत है। इंस्पेक्टर ये समझ जाता है और चोर को तुरंत पकड़ लेता है। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पजल नंबर 2 आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा। आपके सामने एक रूम आई है, तो आप इस रूम को अच्छे से देखिए और अब हमें बताइए कि इस घर में कुल कितने लोग रहते होंगे। तो ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। अगर आप इस रूम को ध्यान से देखोगे तो इस रूम में आपको 3 टॉवेल और 3 टूथब्रश दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इस घर में कुल 3 लोग रहते हैं। दोस्तों, क्या आपने ये सही गेस किया था क्या? तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए जल्दी से आपके सामने स्क्रीन पर एक सिंपल मैथ पजल आई है, तो इसे जरा ध्यान से देखिए और अब हमें बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। इसमें तो बस आपको मैथ वाला थोड़ा सा लॉजिक लगाने का था। क्वेश्चन मार्क की जगह 90 आएगा। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, पहले वाला हो जाएगा 2 × 3 बराबर 6, दूसरा हो जाएगा 3 × 4 बराबर 12। मतलब नंबर और उसके आगे वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसलिए 9 × 10 तो वो हो जाएंगे 90। इसलिए क्वेश्चन मार्क की जगह 90 आएगा। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पजल नंबर 3 यह एक मैस्टिक पजल है, तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा। आपके सामने
मैस्टिक से बनी हुई एक सिंपल इक्वेशन आई है, तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इसमें आपको ये करना है कि इनमें से आपको किसी भी दो मैस्टिक को, हाँ भाई, किसी भी दो मैस्टिक को कुछ इस प्रकार हिलाना है कि जिससे कि ये इक्वेशन बराबर हो जाए। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। क्यों दोस्तों, आया क्या आपको इसका जवाब? नहीं आया तो ये देखिए, हम इनमें से सिर्फ दो मैस्टिक की तीलियों को कुछ इस प्रकार हिलाएंगे जिससे कि ये इक्वेशन बराबर हो जाएंगी। तो हो गई ना भाई ये इक्वेशन बराबर। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था, तो उसका सही जवाब है फेसबुक। इस सवाल का जवाब आप में से सभी लोगों ने सही दिया है। तो उनमें से उन पांच लकी विनर के नाम ये रहे: कोमल खुशवाहा, राकेश चतुर्वेदी, अतुल चाहर, तंजिला मड़किया, गीता दलाल। दोस्तों, आप पांचों को मनोरंजन मसाला की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। तो भाई, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा: एक लड़की 2020 में पैदा हुई और 2019 में मर गई, तो बताओ कि यह कैसे मुमकिन है? तो भाई, फिर देरी कैसी, जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक लड़की का नाम डॉट डॉट था। डॉट डॉट हमेशा लोगों से डॉट डॉट लेती थी। एक दिन डॉट डॉट से तो सभी लोग डॉट डॉट ले रहे थे, क्योंकि एक दिन डॉट डॉट तो सभी को लेनी ही पड़ती है। तो भाई, जरा सोचो सोचो कि वह कौन सा एक ही शब्द है। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। वह एक ही शब्द है, प्रतिज्ञा। देखिए भाई, एक लड़की का नाम प्रतिज्ञा था। प्रतिज्ञा हमेशा लोगों से प्रतिज्ञा लेती थी। एक दिन प्रतिज्ञा से तो सभी लोग प्रतिज्ञा ले रहे थे, क्योंकि एक दिन प्रतिज्ञा तो सभी को लेनी ही पड़ती है। तो आ गया ना भाई वह एक ही शब्द, प्रतिज्ञा। दोस्तों, क्या आपने ये नाम सही गेस किया था क्या? तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर आई है, तो आपको बताना है कि यह किस मूवी का नाम है। तो भाई, जरा सोचो सोचो कि यह कौन सी मूवी है। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। उस मूवी का नाम है गोलमाल 3। दोस्तों, यह मूवी तो बहुत ही हिट है, क्या आपने देखी है क्या? तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही नई नई पजल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।